वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुश आमदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी ईमानदार गाय। प्यारे दोस्तों, जंगल में एक गाय रहा करती थी जो कभी भी किसी से नहीं लड़ती थी। हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, हमेशा सच बोला करती थी। एक दिन गाय अपने छोटे से बच्चे का खाना लेने गई तो शेर की नज़र गाय पर पड़ी और शेर ने सोचा, आज का खाना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो इतनी मोटी ताजी गाय है, शेर ने सोचा क्यों ना इसे खा लिया जाए। लेकिन जैसे ही शेर ने गाय पे झपट्टा मारा, गाय ने कहा, मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसको खाना देकर आ जाऊं, फिर भले बादशाह सलामत आप मुझे खा लीजिएगा। शेर ने कहा, इतना सच्चा कोई नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ बनाने चली, मैं तो तुम्हें खा के रहूंगा। गाय ने कहा, बादशाह सलामत मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने बच्चे को जिंदगी के गुर सिखा कर आ जाऊं, खाना देकर आ जाऊं, फिर आप भले मुझे खा लीजिएगा। शेर ने कहा, चलो आजमा के देखता हूँ। और फिर शेर ने गाय को छोड़ दिया। गाय अपने बच्चे के पास गई, उसको अच्छी अच्छी बातें बताई, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना, कभी किसी से बिला वजह ना झगड़ना, और खाना दिया। और फिर गाय आंसू भरी आंखें लेकर शेर के पास चली। जैसे ही शेर ने देखा, इतनी ईमानदार गाय, इतनी सच्ची, शेर की नीयत भी बदल गई और शेर ने गाय को छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि जब हम सच बोलते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। नई सुबह कहानी घर में इतना ही, मिलते हैं एक मज़ेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।